दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे गांव का घर है यानी ससुराल का कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और दोस्तों फिर उसके बाद देख सकते हैं हम लोग पूजा पाठ तक का वीडियो कल शेयर किए थे फिर उसके बाद बाहर आके यहाँ हम लोग फुलझड़ी जलाए पड़ाके छोड़े अनार छोड़े तो यहाँ पे हम बेटू बिट्टू इनके डैडी सब लोग और यहाँ पांच तरह की रंगोली बनाए थे गेट के बाहर बेटू और देखो मेरा कितना अच्छा लग रहा कहीं भी रहो मगर फिर भी अपने घर से कहीं अच्छा लगता ही नहीं और यहाँ पे देख सकते हो बेटू मेरा वीडियो बनाए थे और मैं जला रही थी झाड़ी तो बहुत बहुत ही मस्ती की है हम लोग जिस दिन दीपावली थी उसके दूसरे दिन भी उस दिन भी बहुत ज़्यादा ही मस्ती किए कॉलोनी के जितने बच्चे थे वो भी कह रहे थे कि आंटी बहुत मजा आया क्योंकि वो सारे लोग यहीं पर आके खेल रहे थे अच्छा लग रहा था ऐसे सारे बच्चे आ जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मेरा एकदम कोने पे है तो मतलब दोनों तरफ से बच्चे कहीं से भी आ सकते कि इस साइड के बच्चे भी आ सकते इस साइड के भी बच्चे आ सकते तो यहाँ पे हम लोग तो ज़्यादातर फुलझड़ी ही किए थे मगर इनके डैडी जो हैं बहुत सारे पढ़ा के छोड़े वही कम से कम दो ढाई घंटे पढ़ा के छोड़े पर यहाँ हम लोग खूब इंजॉय लिए बहुत ज़्यादा जब अनार चल रहे थे तो सब बच्चों कह रहे थे हमने कहा सब लोग खूब तेज़ से चिल्लाओ सब लोग चिल्ला रहे थे हु करके तो और मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था और दोस्तों फिर उसके बाद देख सकते हो सामने के कुछ घरों में वो लोग लो अपने गांव गए हैं तो जिसकी वजह से लाइटिंग नहीं लगी और जो लोग यहाँ हैं उनके यहाँ लाइटिंग लगी कुछ लोग यहाँ होते हुए भी नहीं लाइटिंग लगवाएं तो यहाँ देख सकते हो ये चकर्री चल रही मगर यहाँ प्लेन नहीं था मतलब वो खरिंजा जो है सीमेंटेड वाला ईंटा है तो उसमें अटक अटक जा रहा था क्योंकि ये एकदम फर्श में अच्छा चलता है देखो आके फिर पानी में वैसे हो गए तो बहुत सारे छोड़े गए मगर सब जाके थोड़ा जलते थे फिर उसके बाद पानी में चले जाते थे यहाँ से जो हो सका छोटा छोटा ही बनाया क्योंकि उस टाइम पे मस्ती करने का मूड रहता कौन यहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्ड करता फिर उसके बाद देख सकते हो ये वो है जिसमें बस चला के रख दो मतलब चालू करके और पढ़ा के चलते रहते चलते रहते तो ये सारे सब आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मैं पहनी थी ऐसी साड़ी तो ये साड़ी कैसी लग रही मेरे ऊपर कमेंट करके भी बताइए और बहुत मस्ती आई हर टाइम हम लोग दीपावली के दिन तो बहुत ही मस्ती करते इतना अच्छा होली वाला त्यौहार नहीं लगता जितना अच्छा दीपावली वाला लगता होली वाला थोड़ा कम अच्छा लगता और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ फोटोज़ लिए मैं बेटू बिट्टू और इनके डैडी तो ये कुछ फ़ोटो इनके डैडी के साथ की हैं फिर उसके बाद दोस्तों दीपावली के दूसरे दिन क्योंकि दो दिन दीपावली थी कुछ कुछ लोग तीस तारीख को मनाए कुछ लोग इकतीस तारीख को तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग गए थे संगम और ऊपर ये चिड़िया उड़ रही थी तो बेटू ने यहाँ रिकॉर्ड किया फिर उसके बाद हम लोग संगम तट के एकदम किनारे आ गए हैं वहाँ मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड की हूँ और दोस्तों मैं दिखा रही थी जो मोर पंख वाले लोग पता ही इतने सारे लोग आए थे सब मोर पंख तो ही लिए तो थे। हम लोग आ गए संगम और आज दीपावली का दूसरा दिन है शाम का टाइम है काफ़ी लोग हैं बिट्टू कह रहे हैं चलो चलो और ये देखो मुरैला वाले जा रहे हैं सब मोर के पंखे लिए हुए हैं पता नहीं कहाँ से आए किस देश के बहुत सारे लोग हैं सब पंखे लिए देखो जुम करके दिखाते देखो 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 अब बिट्टू परेशान चलो चलो चल रहे हैं बिट्टू पता नहीं सब पंखे पंखे लिए हैं जितने लोग हैं सारे लोग पंखे लिए तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए तो चलिए घर पस के फिर मिलते क्योंकि शाम को दीपक भी जलाना और सूर्य भगवान देखो अस्त हो गए दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा चलो तो मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद नमस्कार गुड मॉर्निंग राधे राधे इस टाइम बज रहे हैं सुबह के साढ़े दस बज रहे हैं और मेरा नहा धुल के सब कुछ हो गया मैंने पूजा का प्रसाद भी बना लिया पूड़ी और खीर बनाई आज है गोवर्धन पूजा तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन पूजा अपने अपने घर में सब लोग बनाइएगा कुछ लोग के यहाँ होता होगा कुछ लोग नहीं करते होंगे तो जो कोई करता हो या नहीं करता हो सबको हमारी तरफ से हैप्पी गोवर्धन पूजा तो मैं कैसे बनाती हूँ क्योंकि यहाँ छोटी सी जगह है अपने घर में तो है नहीं आप लोगों को पता है हम लोग बाहर हैं तो छोटी सी जगह में छोटा सा ही गोवर्धन जी का बनाएंगे देखते कैसे बनता आइए आप लोग भी देख तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी जगह है मुझे बनाना है गोवर्धन पूजा यानी गोवर्धन जी को तो मेरी मम्मी जैसे बनाती वैसे बनाने का प्रयास कर रहे थे गोबर बहुत 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 ही गीला था बल्कि दीपावली के दूसरे दिन ही मैं ला के रख ली थी मगर उस दिन भी दीपावली दो दिन होने की वजह से ये जो है कल की डेट में बना यानी कि दो तारीख को इसको मैंने बनाया दो एक था दो तारीख को ही मैंने इसको बनाया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बहुत बहुत इतना गीला था और फिर उसके बाद इतना बदबू भी कर रहा था बल्कि गाय जो है जो बांध के खिलाते उनके यहाँ का गोबर था मगर इतना ज़्यादा बदबू कर रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने हाथ से बनाऊं फिर मेरे पास ग्लव्स रखते रखे थे ये ग्लव्स से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो मैं बेटू से कही वो ग्लव्स लेके आओ वो ग्लव्स पहने और फिर बन नहीं रहा था क्योंकि ग्लव्स पहने थे गोबर उठाओ तो उठ ही नहीं रहा था हाथ नहीं बन रहे थे उनकी उंगलियाँ नहीं बने थे अगर कैसे भी करके हमने कहा कैसे भी करके बन जाए तो फिर वही मैंने बनाया और सिर के पास उनका ऐसे ही सिर बैठे हुए बनाए थे लेटे हुए नहीं बनाए क्योंकि लेटे हुए के लिए काफी जगह होनी चाहिए वो जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं थी तो मैंने छोटा सा बैठे हुए ही बना दिए तो दोस्तों कितने लोगों ने गोवर्धन पूजा की है कमेंट करके जरूर बताएगा वैसे हम लोगों ने की है हमारे यहाँ तो दो दिन दीपक भी जलता है एक तो जिस दिन गोवर्धन पूजा रहती उस दिन और दूसरे दिन दूज के दिन भी दीपक जलता है उसमें शाम को जलता ही है और फिर दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं तो इसमें जो करवा चौथ की जो सीके होती वो लगती आपने देखा होगा बहुत लोगों के यहाँ छोटा छोटा मतलब घर जैसे बनता है इसमें कुत्ते बनाए जाते बैल बनाए जाते कोठियाँ बनाई जाती तो दोस्तों मैंने कोठी तो बना दी थी पाँच कोठी बनाए थे और पाँच तरह का अनाज भर दिए थे वैसे अनाज तो बहुत ज़्यादा भरा जाता मगर हमारे पास जो भी था क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा अनाज था नहीं बल्कि थे जैसे चने की दाल और ये सब तो नहीं चने भरे जाते चने थे चने भूल ही गई थी भरने के लिए तो इसमें मैंने कोठी और ये रूई से मैं ऐसे बना रही थी बन नहीं रहा था क्योंकि ग्लब्स पहने थे जैसे मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा अजीब सा बदबू कर रहा था तो यहाँ पे मैंने रूई से इसके दोनों तरफ आँख बना दिए नाक बना दिए और मुंह बना दिए थे और साथ में दोस्तों एक साइड में मैंने एक कुत्ता बैठाया था कहते हैं दरबार में मतलब एक कुत्ता जरूर होना चाहिए क्योंकि सारे लोग गए थे कहते हैं ना वहाँ पे जब पर्वत उठाए थे कुत्ता बैल और गाय सब चीज़ बनाना चाहिए तो दोस्तों मैंने कुत्ता बना दिए थे और कोठी बना दिए थे पांच कोठी मैंने बनाए थे जिसमें मैंने पाँच तरह के अनाज में रखे थे जैसे कि आटा है चावल है दाल मैंने भर दिया था एक में लाई भरे थे और एक में चूरा साथ में मिठाई भी मैंने भर दिया था तो दोस्तों इस लकड़ी के माध्यम से मैं उसके हाथ पैर बनाए थे हाथ पैर की उंगलियां बना रहे थे गोवर्धन बाबा की जो हाथ पैर की उंगलियां उनको बना रहे थे तो सीखते ही नहीं क्योंकि सीख लगाए जाते तो एक सीख मुझे मिली थी तो उसको मैंने तोड़ तोड़ के उसके देखो सिर और ऊपर ऐसे कापूस से लगा दिए थे और दोस्तों फिर उसके बाद अभी इसको पूरा कम्प्लीट कर लेते फिर अपना हाथ वाथ धुलते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो मैं पूजा करने लगी हूँ तो पूजा में देखो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया माला चढ़ाया और दीपक जला रहे हैं सिंदूर से इनके टीका कर रहे हैं चारों तरफ मैंने जो अनाज थे जैसे कि आटा दाल चावल लाई चूरा और मीठा ये सब मैंने भरे हैं और बगल में जो ये रंगोली है तो ये दीपावली के दूसरे दिन मैंने परीवा के दिन इसको बनाया था तो दीपावली दो दिन थी इसके वजह से गोवर्धन पूजा उसके एक दिन बाद में हुआ और ये देखो खीर और पूड़ी तो दोस्तों सबसे कहते हैं इनका स्पेशल जो मतलब पूजा का वो होता प्रसाद वो खीर और पूड़ी ही होती यहाँ पे मैंने टीका वगैरह सब कुछ अच्छे से किया दीपक घी का दीपक जलाए थे इनके उसमें तो दीपक को मैं जला रही थी रुक नहीं रहा था और साथ में मैंने धूप बत्ती भी लगाई तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ कैसे होता मेरे पास और बिट्टू को मैंने कहा था साथ में घंटी बजाते जाओ और यहाँ पे देखो मैं आरती उतार रही थी बेटू भी थे बिट्टू भी थे अच्छा लगा पूजा करके अच्छा लगता है मन एकदम प्रसन्न हो जाता है तो बाहर थोड़ी सी जगह थी उसी में मुझे करना था तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी जगह में पूजा पाठ कर लिया और फिर बच्चों से अपने करवाए बच्चे मेरे आरती करते मेरे करने के बाद फिर मेरे दोनों बच्चे करते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कैसे भगवान की पूजा की बत्ती अभी जल रही घी में ने थोड़ा भर के रख दिया धूप बत्ती भी उधर जल रही तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट करके जरूर बताएगा बल्कि सही से मेरा बना नहीं है मेरे पास जगह की अभाव था और प्लस गोबर भी नहीं था क्योंकि इसमें गोबर बहुत ज़्यादा लगता है घर टाइप का बनता है तो फिलहाल मैंने छोटा ही बना बनाया जैसे कि आप देख सकते हैं गोवर्धन पूजा मैंने कर लिया है अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने बज गए ग्यारह बज गए हैं साढ़े ग्यारह बज गए हैं तो अब कुछ खाए पिएंगे और क्योंकि पूजा करने के बाद हम लोग खा पी सकते हैं और लक्ष्मी जी को अभी मैंने देखो सारा सामान तो मैं उस दिन उठा ली थी मगर लक्ष्मी जी गणेश जी को नहीं उठाए क्योंकि आज परिवा है तो आज नहीं उठा सकते कल द्विज को उठाएंगे अच्छे दिन उठाया जाता तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद